हम सीरियल के फैंस रह चुके हैं, हमने काफ़ी देखा है इस सीरियल को, भरत और मैंने, हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, तो आज जाके यू नो सिंबल ऑफ लव का स्टैचू जो ह्यूज एंड इट्स ब्यूटीफुल और कांटा रोड इज़ द परफेक्ट स्पॉट आई थिंक इन बॉम्बे बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कपल्स बाइक्स पे आते हैं या चल के आते हैं गाड़ी और इज लाइफ यंग द यंग लाइफ इज इन कांटा रोड एंड आई मैं भी बांद्रा में रह चुका हूँ ऑल माई लाइफ तो यहाँ पर देखा है कि जो यंग लाइफ जो कपल लाइफ है स्पेशली अनवीलिंग जो पोस्ट जो किया जा सकू का ये एक्चुअली बहुत अच्छा रहेगा आगे यंगर जनरेशन के लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट शायद बन जाए और इट्स अच्छा अच्छा फीलिंग है यहाँ पर हमें सो कसौटी जिंदगी की फिर आ रहा है एज ए ऑडियंस आप कितनी एक्साइटेड हैं I'm really looking forward to it क्योंकि एकता इज अ बंडल ऑफ टैलेंट एंड शी ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग न्यू और यू नो उसे रीबूट कर रहे हैं आज के तारीख आज का जनरेशन को ध्यान में रखते हुए तो आई एम ऑल्सो वेटिंग टू सी ऑन 25th सितंबर के क्या होता है शो में हमारे लिए भी सरप्राइज है हम लोग भी देखेंगे एंड ईगरली वेटिंग टू सी इट सो न्यू कास्ट एंड न्यू कास्ट आपने देखी होगी किस तरह आप इंप्रेस हुए कास्ट से आप हमारे लिए सरप्राइज है Waiting to see it on 25th of September. So, आज ईशा आज ट्रेंड भी चला हुआ है सीरियल्स को बहुत ही एडवांटेज मिल रहा है प्यार मिल रहा है ऑडियंस से तो आपने कुछ आप भी आपके जहन में भी है आप कुछ सीरियल में करें प्यार तो बहुत मिल रहा है क्योंकि एक सीरियल जो इतना पॉपुलर बन चुका है उसका इतना बड़ा स्टैचू लगा है दैट इटसेल्फ इज प्रूफ दैट आवर कंट्री लव्स सीरियल्स कसौटी जिंदगी क्या कुछ आपकी किस तरह लव स्टोरी चालू हुई क्या कुछ जो हमें बताना चाहेंगे किस तरह स्टार्ट हुई थी सब चीज़ें आपकी लव स्टोरी किस तरह स्टार्ट हुई थी उसके आज कुछ यादें ताज़ा हुई हैं स्कूल में क्या वी वर 13 आई थिंक और स्कूल के टाइम में मिले थे चाइल्डहुड क्रश इन्फैटुएशन फिर थोड़ा बहुत कॉलेज में और फिर अपने करियर्स टुक ओवर एंड देन वी गॉट सेपरेटेड फॉर अ व्हाइल बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड वी फाउंड ईच अदर अगेन And today is, you know, the father of my child and my husband.